आर्मी स्कूल जो कि मथुरा कैंट में है, वहाँ के कुछ होनहार खिलाड़ी जिन्होंने मात्र 2 हफ्ते के अंदर स्पोर्ट्स की ऐसी उपलब्धि हासिल की कि इनके विद्यालय, इनके परिवार सभी को इनके ऊपर फक्र महसूस हो रहा है। और आगामी जो कि कल का इनका प्रतियोगिता है कूड़ एसोसिएशन ऑफ मथुरा द्वारा RCA गर्ल्स डिग्री कॉलेज में, वहाँ ये प्रतिभाग करने जा रहे हैं। हाँ तो दीपक, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? बहुत बढ़िया चल रही है। मैं खुद अपने मन से प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है मेरे को, मुझे इससे आनंद भी महसूस होता है, उससे हमारी सेहत में भी बहुत फर्क आता है। और जैसा कि आपने कहा कि परिवार का परिवार ने तो सपोर्ट दिया ही है, लेकिन सर आपका भी थोड़ा बहुत सपोर्ट है जिसकी वजह से मैं सीख पा रहा हूँ ये सब। अच्छा, तो कैसे महसूस करते हो आप जब क्लास लेने के बाद आप घर जाते हो और आपको फील होता है कि हाँ मैं अभी कुछ करके आया हूँ, मेरे बॉडी में कुछ चेंजेस हुए हैं आपको? ऐसा सर बहुत रिलैक्स फील होता है, जैसे पहले नहीं होता था। पहले तो सर ऐसे थकान सी महसूस होता है, अब नहीं होता। अच्छा, तो अब क्या आपके अंदर एनर्जी और बढ़ गई है? आपको हर चीज़ आसान लगती है करने में कि यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ, आपको हर चीज़ में एक एक्टिविटी लगती है? यस सर। अच्छा, तो उसके लिए आप, अच्छा ये बताइए आप न्यूट्रिशंस क्या ले रहे हैं, मतलब अपना खान पान में क्या देख रहे हैं? सर दूध तो जो हर कोई लेते हैं, और साथ में बादाम वगैरह, किशमिश और चने, केला जो अब हमें। अच्छा, कल की क्या तैयारी है आपकी? सर कल की खूब मेहनत कर रहा हूँ, देखूँगा जो वहाँ पर होगा, खूब जीतने खूब कोशिश करूँगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, क्या नाम है बेटा आपका? सबनीत कुमार। विनीत, क्या कहना चाहोगे आप कल की प्रतियोगिता के बारे में? सर मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा मेडल जीतने की, और मैं। अच्छा, इसके लिए आपने तैयारी किस लेवल की है? क्या आपको लगता है कि आप जिला स्तरीय, आप जिले में अपने वेट ग्रुप में, अपने एज ग्रुप में वो स्पर्धा जीत पाएंगे? कॉन्फिडेंस? यस सर। तो बताओ हमारे सभी मेंबर्स जो हमें आपको देख रहे हैं इस वक्त, आप उन्हें बताओ क्या आप जीत सकते हैं टूर्नामेंट? तो कॉन्फिडेंस के साथ कहो कि हाँ मैं जीत सकता हूँ इस टूर्नामेंट। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं पंकज। हाँ पंकज, क्या तैयारी चल रही है आपकी प्रतियोगिता के लिए? सर बढ़िया तैयारी चल रही है, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वहाँ पे अच्छे से अच्छा मेडल लाऊं, और मेरी पूरी कोशिश है वहाँ जीत सकूँ। ओके, आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं आपके बारे में कि हमारा बच्चा इस क्षेत्र में जुड़ा है, क्या कहीं गलत एडवाइस या डिमोरलाइज तो नहीं करते आपको कि नहीं टूट जाएगा, बेकार हो जाएगा ऐसा? नहीं सर, पूरी पेरेंट्स की तो पूरी वो है। अच्छा, क्या करते हैं आपके पिताजी? पिताजी आर्मी से रिटायर है। तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? तो टाउनशिप पर रहते हैं। ओके, स्कूल में किस तरीके का अभ्यास चल रहा है आपका? अभ्यास मतलब प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। ओके, नेक्स्ट, क्या नाम है बेटा आपका? रोहित। रोहित तिवारी। ओके, क्या कहना चाहोगे आप कल की प्रतियोगिता के बारे में? मेरा ये कहना है इस प्रतियोगिता के बारे में कि मैं कोशिश करूँ अपनी पूरी, वहाँ जाऊँ और खेलूँ और मेडल जीतूँ, अपने मम्मी पापाओं का नाम रोशन करूँ और अपना नाम रोशन करूँ, और अपने सरकार, अपने स्कूल का, अकेडमी का, कि हाँ हम स्कूल में ये सब सीखते हैं, मार्शल आर्ट अकेडमी हमारे स्कूल में भी ये सब चालू हो जाए चलना। वैसे हो भी गया, और हमारी मम्मी ने, पापा ने फुल सपोर्ट दे रखा है इस चीज़ में कि हाँ तुम जाओ खेलो, पैसे की चिंता आप मत करो, हम खर्चा करेंगे और अच्छे से अच्छा मेडल लेके आओ और जीत के आओ। अच्छा, क्या बनना चाहते हो बड़े होकर बेटा? सर अभी तो इस चीज़ में कोई मतलब अभी डिसाइड नहीं किया, पर कोशिश है कि आने वाला कल बताएगा। चलो ठीक है, उसके लिए फिर भी मतलब कुछ तो आपने सोच के रखा हो, और अपने फ्रेंड्स लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे इस प्रतियोगिता के लिए? मैं अब इस प्रतियोगिता के बारे में ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये एकेडमी मतलब सबसे मथुरा में हिट है, और ये यहाँ जो भी सिखाया जाता है अपने सेल्फ के लिए और एकेडमी में जीतने के लिए और मेडल हासिल करने के लिए हर चीज़ सिखाई जाती है। और